नमस्कार, सिंपल होम कुकिंग विद वंदना उमेश में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे थाई रेड करी पेस्ट, थाई ग्रीन करी पेस्ट। तो चलिए बनाते हैं करी पेस्ट। रेड थाई करी पेस्ट बनाने के लिए मैंने 10 रेड मिर्ची लिया था और एक टमाटर लिया था। इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया था करीब 10 मिनट। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। इसका छिलका हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम इसमें डालेंगे पीसने के लिए। ये लाल मिर्च हम डाल देंगे पूरा पीसने के लिए। इसमें हमने मसाला लिया है 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स है, जीरा 1 टीस्पून, 10 पेपर का मैंने वो लिया है दाना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। 1 इंच मैंने थाई अदरक का लिया है, इसको हम डाल देंगे। गार्लिक का मैंने 8 दाना लिया है, ये भी डाल देंगे। 1/2 प्याज मैंने लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। ये मैंने लेमन ग्रास का 1 स्टेम्प लिया था, इसको इस प्रकार से कट कर लिया है, इसमें डाल देंगे। लेमन जूस डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून। और ये पानी, क्योंकि रेड करी का हमको पेस्ट बनाना है तो ये पानी हम इसको फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे पीसने में, ताकि कलर अच्छा है। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको हम पीस लेते हैं। ये हमारा रेड थाई करी पेस्ट रेडी हो गया है। देखिए, इसमें हम खाली कर लेते हैं। ग्रीन थाई करी पेस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए ये धनिया का मैंने स्टेम्प लिया है। देखिए, इसके स्टेम्प के साथ ही मैंने ले लिया है, थोड़ा डंठल भी लिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी होता है, तो ध्यान से आप अच्छे से वॉश कर लें। ये सारा हम पीसेंगे, इसमें डाल देते हैं पीसने के लिए। गार्लिक डालेंगे हम 8 दाने। ये लेमन ग्रास है, इसको मैंने 1 स्टेम्प लिया था, इसको कट कर लिया इस प्रकार से। धनिया पत्ती डाल देंगे। 1/2 प्याज मैंने लिया है, इसको कट कर लिया है। ये थाई जिंजर का मैंने लिया है, इसको हम पीस लेंगे। और मिर्ची मैंने 10 लिया है, ये कड़वा नहीं है, आप वैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इससे कलर आएगा ग्रीन कलर। मसाला में हम धनिया का सीड्स लिए हैं, ये 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून मैंने जीरा का लिया है, 10 दाने मैंने पेपर के लिए हैं, वो हम डाल देंगे इसमें। लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसको क्या करेंगे, लेमन का मुझे सिर्फ ऊपर का पोर्शन चाहिए, अंदर का नहीं चाहिए। तो आप ध्यान से इसको घिस लें, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है घिस करके। देखिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको घिस लिया है, अंदर का पोर्शन नहीं आया है, ये इतना हुआ है। इसको हम डाल देंगे इसमें, इससे एक काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ा पानी डालेंगे पीसने के लिए। ये देखिए, हमारा ग्रीन थाई करी पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा रेड थाई करी पेस्ट और ग्रीन थाई करी पेस्ट रेडी हो गया है। इसको हम, जब हम थाई रेड करी और थाई ग्रीन करी बनाते हैं, तो इसी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।